Today, we will start exercise 3.1, unit 3rd, addition, statement sums. Question number 1. There are 1780 toys, 1780 toys in one shop. 3522 toys in the second shop and 127 in the third shop. How many total toys are there in all the three shops? So the meaning of your question number one is there are three shops. First shop, second shop and third shop. In first shop, the number of toys are 1780. And in second shop, the number of toys are 3522. And the third shop, the number three shop, there are 127 toys. So what we have to do is we have to find out how many total toys are there in all the three shops. तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि तीन दुकानें हैं, तीन शॉप्स हैं. उसमें क्या है, एक फर्स्ट शॉप है उसमें 1780 टॉयज है, सेकंड शॉप है उसमें 3522 टॉयज है, और जो थर्ड नंबर की शॉप है उसमें 127 टॉयज है. हमें क्या बताना है, टोटल टॉयज तीनों शॉप्स में कितने होंगे. तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, टोटल करने के लिए एडिशन करेंगे. सो हियर वी स्टार्ट. सबसे पहले फर्स्ट वी विल राइट नंबर ऑफ टॉयज इन फर्स्ट शॉप, कि फर्स्ट शॉप में कितने नंबर ऑफ टॉयज है. तो कितने थे, 1780 नंबर ऑफ टॉयज इन सेकंड शॉप. अब सेकंड लाइन में लिखेंगे कि सेकंड शॉप में कितने टॉयज है, 3522. देन थर्ड, नंबर ऑफ टॉयज इन थर्ड शॉप, थर्ड शॉप में कितने हैं, 127. तो क्या करेंगे, टोटल टॉयज इन ऑल थ्री शॉप्स, कि तीनों शॉप्स में टोटल कितने टॉयज है. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे. तो 7 + 2 = 9, 9 हियर, देन 8 + 2 = 10 + 2 = 12, 2 हियर, 1 कैरी, देन 7 + 5 = 12 + 1 = 13 एंड +1 कैरी दैट इज 14, 4 हियर, 1 कैरी, 3 + 1 = 4 + 1 = 5. तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन थ्री शॉप्स आर 5429. सो फाइनल आंसर वी विल रिटन लाइक दिस, आंसर इज इक्वल टू देयर आर 5429 टॉयज इन ऑल द थ्री शॉप्स. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सो योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.9 इज शालिनी हैड 1746 स्टैम्प्स इन हर स्टैम्प एल्बम. प्रिया गेव हर 599 मोर स्टैम्प्स. हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड शालिनी हैव ऑल टुगेदर, व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड हियर. तो दैट मीन्स देर इज़ अ गर्ल नेम्ड शालिनी. एक गर्ल है जिसका नेम शालिनी है, उसके पास क्या है, स्टैम्प्स की एक एल्बम है. अब स्टैम्प्स क्या होती है, छोटे छोटे टिकट्स या किसी भी टाइप के आप स्टैम्प्स लगा सकते हो. तो शालिनी के पास स्टैम्प एल्बम है, कितनी है उसमें स्टैम्प्स, 1746. अनदर गर्ल नेम प्रिया, एक और गर्ल है जिसका नेम प्रिया है, उसने क्या किया, गेव हर 599 मोर स्टैम्प्स. उसने शालिनी को 599 और स्टैम्प्स दे दी. तो हमें ये बताना है हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड शालिनी हैव ऑल टुगेदर, कि शालिनी के पास
टोटल और कितनी स्टैम्प्स, मतलब शालिनी के पास टोटल कितनी स्टैम्प्स हो गई, और व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड हेयर. अब हेयर वैल्यू जनरेटेड हेयर मीन्स आप मॉरल साइंस पढ़ते हैं तो मॉरल साइंस में आपके पास हर चैप्टर के बाद वैल्यूज आती हैं. एक आपने क्या सीखा तो वैल्यू जनरेटेड हेयर हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लाइन हैव रिटन नंबर ऑफ स्टैम्प्स शालिनी हैड. शालिनी के पास कितनी नंबर ऑफ स्टैम्प्स थी, 1746. नंबर ऑफ स्टैम्प्स प्रिया गेव हर, उसे प्रिया ने कितनी स्टैम्प्स दी, 599. उसको प्रिया ने कितनी दी, 599 टोटल स्टैम्प्स. तो शालिनी के पास टोटल कितनी स्टैम्प्स हुई, हम इन दोनों को ऐड करेंगे. शालिनी के पास जितनी थी और जो प्रिया ने शालिनी को दी, 9 + 6 is 15, 5 here, 1 carry, 9 + 6 = 15, 15 का 5 here, 1 carry, then 9 + 1 = 10 + 4 = 14, 14 आया, 14 का 4 here, 1 carry, उसके बाद 7 + 5 = 12 + 1 = 13, 3 here, 1 carry, और 1 + 1 = 2, सो 2345. तो शालिनी हैव 2345 स्टैम्प्स ऑल टुगेदर. सो क्वेश्चन इज व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड हेयर. सो शेयरिंग वैल्यू इज जनरेटेड हेयर. हाउ शेयरिंग, बिकॉज शालिनी को प्रिया ने क्या किया, शालिनी ने प्रिया ने शालिनी के साथ अपनी स्टैम्प्स शेयर की. तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू जनरेट होती है, शेयरिंग वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, शीतल हैज 1480 मैंगोज. शीतल के पास 1480 मैंगोज हैं, 2700 ऑरेंजेस हैं एंड 746 एप्पल्स हैं फॉर सेल इन हर फ्रूट शॉप. हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल टुगेदर. तो शीतल के एक फ्रूट शॉप है जिसमें शीतल के पास 1480 मैंगोज हैं, 2701 ऑरेंजेस हैं एंड 7046 एप्पल्स हैं फॉर सेल. सेल मीन्स बेचने के लिए. तो हमें बताना है उसके पास, उसकी फ्रूट शॉप में टोटल कितने फ्रूट्स हैं ऑल टुगेदर. हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर ऑल टुगेदर मीन्स टोटल कितने हैं. सो नंबर वी विल राइट विद नंबर ऑफ मैंगोज. कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं, मैंगोज कितने थे, 1480 मैंगोज. नंबर ऑफ ऑरेंजेस, कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, 2701. नंबर ऑफ एप्पल्स, और कितने एप्पल्स हैं, 746. यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फ्रूट्स और इन तीनों को ऐड करेंगे, मैंगोज ऑरेंजेस और एप्पल्स को ऐड करेंगे. तो यहाँ से हमारा एडिशन स्टार्ट करते हैं. 0 + 1 = 1 + 1 = 6 = 7, 7 हेयर. उसके बाद 8 + 0 = 4, तो 8 + 4 कितना हो गया आपका, 12, 2 हेयर, 1 कैरी. देन 7 + 7 = 14 + 4 = 18, 18 में 1 प्लस किया कितना हो गया, 19, 7 में 7 प्लस करके आ गया हमारे पास 14, और 14 में 4 प्लस किया तो 18, और 18 में 1 प्लस किया तो 19, 9 यहाँ लिखा 19 का, और 1 हमारा कैरी हो गया. 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, तो हमारा आंसर आया 4927. सो टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 4927. शीतल हैज 4900 फ्रूट्स ऑल टुगेदर. दैट मीन्स शीतल के पास टोटल नंबर ऑफ किस फ्रूट्स कितने हैं, 4927. आई होप टिल क्वेश्चन नंबर 3 इट्स क्लियर. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मिल्क बूथ सॉल्ट
3,895 bottles in the morning and 580 bottles more than that in the evening. Find the total number of bottles on that day. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझिए. इसमें क्या है, एक मिल्क बूथ है. उसने क्या किया, उसके पास उसने क्या किया, 3,895 बॉटल्स मिल्क की बेची सुबह मॉर्निंग टाइम में. मिल्क बूथ ने 3,895 बॉटल्स सोल्ड की, बेच दी. उसके बाद इवनिंग टाइम में क्या किया, 580 बॉटल्स मोर देन दैट. अब 580 बॉटल्स मोर देन दैट, इसका मतलब, इस लाइन का मीनिंग ये है कि 3,895 तो उसने सेल की, उससे 580 और ज़्यादा क्या करी, इवनिंग में सेल करी. तो मतलब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स जो उसने शाम को बेची वो आएंगी. अब फिर से समझो, सुबह उसने कितनी बॉटल्स सेल की, 3,895. शाम को कितनी करी, 580 मोर, मतलब इसमें 580 और ऐड करके उतनी की, ये भी करी और इसमें 580 एक्स्ट्रा करी इसके सिवा. तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड इन द मॉर्निंग. तो मॉर्निंग में कितनी सोल्ड करी उसने, 3,895. 580 बॉटल्स मोर देन मॉर्निंग सोल्ड इन द इवनिंग. तो इवनिंग में उसने 580 से मोर, 580 मोर बॉटल्स सोल्ड करी मॉर्निंग से ज़्यादा. तो पहले हम क्या करेंगे, 3,895 में 580 प्लस कर देंगे तो हमारे पास उसने कितनी बॉटल्स इवनिंग में सोल्ड करी वो आंसर आ जाएगा. तो 3,895 + 580 में 8 प्लस किया तो हमारा कितना आ गया, 17. 7 हेयर 1 कैरी. 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14. 4 हेयर 1 कैरी. 3 में 1 प्लस किया 4. तो उसने इवनिंग में कितनी बॉटल सोल्ड की, 4,475. सो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड ऑन दैट डे. अब हमें ये फाइंड आउट करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन उसने टोटल कितनी बॉटल्स सोल्ड की. तो कितनी करी, मॉर्निंग वाली बॉटल्स और इवनिंग वाली बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा. तो मॉर्निंग में उसने 3,895 सोल्ड की थी, ये मॉर्निंग वाली है. इवनिंग के लिए हमने ऐड करके आंसर निकाला तो इवनिंग में 4,475 उसने सोल्ड की. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड ऑन दैट डे. तो 5 + 5 = 10, 0 हेयर 1 कैरी. 9 + 1 = 10, प्लस 7 = 17, 7 हेयर 1 कैरी. 8 + 4 = 12, + 1 = 13, 3 हेयर 1 कैरी. 4 + 3 = 7 + 1 = 8, 8,370 बॉटल्स उसने इन टोटल क्या करी, सोल्ड करी ऑन वन डे. क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 3,500 नट्स एंड 1,565 बोर्ड्स इन अ बैग. How many nuts and bolts are in the bag? एक बैग है उसमें 3,500 नट्स हैं. नट्स वो हो गए जो हम स्क्रू टाइप्स होते हैं ना वो, एंड 1,565 बोल्ट्स इन अ बैग. हाउ मैनी नट्स एंड बोल्ट्स आर देयर इन द बैग. तो जो हम घर पे जैसे हमारे डोर्स पे नट बोल्ट लगते हैं, कुंडियाँ हो गई, पेच हो गए, नट एंड बोल्ट है. तो एक बैग में 3,500 है
और नट्स हैं और 1565 बोल्ट है, तो हमें बताना है उसमें कितने टोटल है। सिंपली एडिशन करेंगे नंबर ऑफ नट्स नंबर ऑफ बोल्ट्स, 3500 लिखेंगे 1565 और दोनों को टोटल कर देंगे। सो आप अपने आप करेंगे टोटल इसका और ये आंसर ऐसे लिखेंगे, देयर आर 5065 नट्स एंड बोल्ट्स इन द बैग।